रुद्रप्रयाग के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ सफाई के लिए बच्चों को प्रेरित और जागरूक किया। प्लान इंडिया ग्रुप ने जिले के 100 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बेहतर साफ सफाई के लिए चयन किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल्टी, प्रधानाध्यापक गुदम्बरी बिंदोला सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं और शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे, जिसको लेकर छात्र छात्राओं तथा उनके अभिभावकों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों के शरीर में किसी तरह के कीटाणु की वजह से बीमारी नहीं हो तथा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित हो सके। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। स्कूल में जो एब्सेंट्स होते हैं वो जनरली हमारे हेल्थ रीजन की वजह से होते हैं, और उसमें मुख्य कारण ये कि हम अपने हाथ को धोने की जो प्रक्रिया है और जो साफ़ सफाई की प्रक्रिया है उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो इसी क्रम में हमने आज बच्चों से वार्तालाप भी किया यहाँ पर प्राइमरी स्कूल रुद्रप्रयाग में, और आज से अन्य जो हमारे जनपद के करीब 100 स्कूल इसमें कवर होंगे, और वहाँ पर भी इस मैसेज को डिटॉल के माध्यम से और प्लान के माध्यम से फैलाया जाएगा। और कोशिश ये है कि ये एक मुहिम की तरह, एक कैंपेन की तरह हमारे जनपद में चले, जहाँ पर प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो और उसका 100% अटेंडेंस स्कूल में।